हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद सुमित परिवार। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस लाइव सेशन के अंदर। जल्दी से सब बच्चे मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मैं आपको विजिबल हूँ? मेरी आवाज़ अब तक एकदम से क्लियर आ रही है, साफ सुंदर मैं दिख रहा हूँ? एक बार कमेंट करके बता दें। अजय चौधरी जी जय हिंद। सब बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइव आ जाइए। आई थिंक सो ओपेसिटी थोड़ी सी कम है, मैं एक मिनट सेट कर लेता हूँ। नाउ आई थिंक सो ओके। जय हिंद। हेलो, कैसे हैं अनिकेत, प्रभजोत सिंह, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशन के अंदर। आ जाओ सभी बच्चे, फिर अपन क्लास को बढ़ाएंगे आगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट सीखेंगे, कल मैग्नेटिज्म के भी एक दो पेज बच गए थे, वो भी ट्राई करेंगे आज ख़त्म करने में। नहीं आई नोटिफिकेशन, नहीं आई। सो ही लाभ को जय हिंद, सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई एम फाइन, आप सब बच्चे मुझे बता दीजिए। आई थिंक सो ऑडियो भी क्लियर होगा, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट रहता था सर ऑडियो पर आपका रोबोट जैसा है, तो आई थिंक सो नाउ ऑल ओके है ना। आई एम फाइन। शुभम कुमार और सब बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, मैं एकदम से भयंकर वाला शानदार बढ़िया। आप सब बच्चे लाइव आ जाओ यार जल्दी से, जो आगरा जो 20 लाइव पहुँचा ये 50 प्लस पहुँचा दो, लाइक्स को भी बढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, विभांशु जी बोल रहे हैं सर आगे। ओके, शुरू करो सब, अभी करते हैं यार शुरू। आयुष कुमार बस आई थिंक सो मॉडरेटर हैं ऑलरेडी बहुत सारे इसके अंदर, यार सुमित सर के पास अथॉरिटी है वो। ओके ओके, जय हिंद जय हिंद। अनिकेत कुमार बोले सर नया माइक लिया, बिल्कुल यार, माइक एंड और कैमरा दोनों का सिस्टम सेट किया है। ओके ओके ठीक है, तो चलिए जी जय हिंद, सब बच्चों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस फिर से लाइव सेशन के अंदर। रैपिड फायर फिजिक्स आग लगा देंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड कंसेप्ट के अंदर, ठीक है जी। हम कर रहे हैं आईपी की गोली अकेडमी पे, कर रहा है बेनिफिट्स होगा, बिल्कुल प्रिंस कुमार बहुत बेनिफिट मिलेगा, आई गारंटी, बहुत बहुत अच्छा हूँ जॉर्जियन, जॉर्जियन बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म कल पढ़ा था, मैग्नेटिज्म में लास्ट की वर्क एनर्जी का करेंगे। देखो प्लस टू के खत्म करने के बाद बहुत अच्छा हूँ जॉर्जियन, किलो स्क्वाड बहुत अच्छा हूँ। तो मैग्नेटिज्म के एक से दो पेज रह गए थे, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा जरूर, छोड़ेंगे नहीं वो वाले भी, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जय हिंद का नारा सब बच्चे एक बार लगाएंगे साथ में, अब बताएं हाउस द जोश, एक बार सब बच्चे बता दीजिए, क्लास को करते हैं स्टार्ट। धीरे धीरे आप लाइक एंड शेयर तो करते ही रहोगे, मुझे पता है। तो नितेश पाल का कमेंट मेरे पास आ चुका है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कमेंट कर दो ताकि कर लूँ स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्जियन जी आप भी तैयार हैं? ओके, ओके ठीक है जी, कर लेते हैं स्टार्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट एक्चुअल में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम एक इकट्ठा वर्ड लिया जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फिनोमिना है वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। हाँ शरजीत मोंथी, यू कैन टेक्स्ट मी, बिल्कुल कर सकते हो यार क्लास के बाद। ओके जय हिंद। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म के फिनोमिना आपस में रिलेटेड है, इसलिए जो कंप्लीट ब्रांच है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। जनरली अगर आप प्लस टू क्लास के अंदर होते हैं तो आप सब बच्चों को ये सिखाया जाता है, अरे मार्कर का है, कि इसको दो पोर्शन में डिवाइड करिए अपन, एक तो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक रहता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है ये फिजिक्स का वो पोर्शन रहता है जिसमें अपन चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं, रुके हूँ, ठीक है। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। बोले सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं यार, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स का वो पोर्शन है जिसमें अपन चार्ज की स्टडी मोशन में पढ़ते हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। मैग्नेटिज्म भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि मूविंग चार्ज से ही मैग्नेटिज्म बनता है जी। अब एटम, बोले सर चार्ज के बारे में पढ़ना है और एटम के बारे में बता रहे हो,
जी बिल्कुल बताना पड़ेगा एटम के बारे में। पहले करते हैं शुरुआत एटम से। तो देखो जी, एटम के बारे में आप सब बच्चों को बताएं, एटम के अंदर मेन दो चीज़ें होती है, एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर बावले होके घूम रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, सब बच्चों को बताएं, न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, आप सब बच्चों को बताएं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहे। सबको पता है यार, ये बात तो बताने वाली बात नहीं है ना, इनको कंबाइंड न्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने इसमें प्रोटॉन्स पे प्लस का चार्ज होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ओवरऑल मैं आपको बोलूँ, जितने प्रोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने कोई गेन या लॉस नहीं कर रखा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, भैया इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है बाहर, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है। कौन बाहर नहीं निकल सकता है? एक स्लाइड पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से ले लीजिए, रोक दीजिए वीडियो को अगर आपको वो लिखना होता है। तो देखो, एटम में से इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ नेचर के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड है, वो नहीं निकलने वाले। ठीक है, नेचर के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड है, वो नहीं निकलेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जल्दी से। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो जैसे ही एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो हो जाती है उसमें गड़बड़। तो इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से वो क्या हो जाएगा, आपको पता है, या तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे या प्रोटॉन कम हो जाएंगे, है ना, यही तो बात है। अगर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ गए, और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है जी, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, वो क्या बन जाता है, वो एक आयन बन जाता है। यार आयन का मतलब उस पर आ जाता है चार्ज। क्या आ जाता है? चार्ज। यार ये चैप्टर चार्ज इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? एक्चुअल में किसी भी न्यूट्रल चीज़ के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से उसके पास एक शानदार प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस शानदार प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लग जाता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, और अगर वो मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट विलियम गिलबर्ट नाम के एक फिजिस्ट ने दिया था। अच्छा जी, कोई बॉडी चार्ज होती है, उसका रीजन क्या है? या तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, या वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन ही। क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, न्यूट्रॉन को निकालने का फायदा नहीं है यहाँ फिलहाल। तो चार्ज बॉडी, ऐसी कोई भी बॉडी जिसपे कुछ चार्ज हो उसको चार्ज बॉडी कहा जाता है। अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी किसको कहा जाता है? जिसपे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज का मतलब उस पर नेट चार्ज है ना, वो जीरो होना चाहिए। जितना उसमें प्लस का भरा हुआ है उतना ही उसमें माइनस का होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सब बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, एटम जब तक उसने लॉस या गेन नहीं किया होता। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का वीएससी, पक्का जी, पक्का बिल्कुल। ठीक है, पोलैरिटी क्या होता है? देखिए, चार्ज के टाइप्स को ही पोलैरिटी कहा जाता है। दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नोमेनक्लेचर है, नेमिंग है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, क्योंकि एक प्लस माइनस के साथ जुड़ के ये जीरो हो सकता है, दैट्स वाई। ठीक है, अगर बॉडी कोई क्या करती है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी उसने क्या कर रखा है, गेन कर रखा है इलेक्ट्रॉन का, तो उस पे जो चार्ज आता है उसको अपने नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। और अगर कोई बॉडी ने लॉस कर रखा है इलेक्ट्रॉन का, तो हम बोलते हैं कि उस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है जी, जैसे सोडियम की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एनए पॉजिटिव बन गया, यानी इट हैव पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, याद करना, लॉस करने पर पॉजिटिव होती हैं चीज़ें, गेन करने पर क्या हो जाती हैं, वो गेन करने पे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है ना, चार्ज के केस में उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस किया या तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इस केस में उसका जो मास है ना, उसका मास चेंज हो जाता है, हालांकि ये चेंज बहुत थोड़ा होता है, लेकिन चेंज हो जाता है। जिस बॉडी पे प्लस का चार्ज आता है उसका जो मास है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। ये बात याद रखना, चीज़ें पूछी गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अजय चौधरी जी, बहुत अच्छा। तो चार्जेस के यूनिट्स पे चलते हैं। चार्जेस का जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, कूलम साइंटिस्ट के नाम पे, कैपिटल सी से ली। तो सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो दो यूनिट्स रहते हैं जनरली, एक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तब हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं, ईएसयू। इसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, या इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। और अगर हम ईएमयू के अंदर हैं, यानी हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसका एक यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको कि एब कूलम या एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है, एबीसी नाम से। ठीक है जी, और एक और यूनिट होता है फेराडे। ठीक है जी, फेराडे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का, और सबसे स्मॉलेस्ट ये है,
स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये होते कितने हैं, हालांकि वैल्यूज ऊपर लिख रखी है, वैल्यू आपके काम की नहीं है, बहुत रेयर पूछा जाता है। हाँ, फेराडे आपसे पूछा जाता है, एक फेराडे 96500 कूलम के बराबर होता है। अरे भाई ये एक चीज़ का ध्यान रखना, फेराडे और फेराड दो अलग अलग चीज़ें। प्रोटोन हैवी होता है, 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है अमन शाह। फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है, ये फेराडे है, ठीक है जी। और इनके बीच का भी रिलेशन ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हो इन चीज़ों को, क्लियर। चलो जी अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं, ज़्यादा बेसिक चीज़ें खुद पढ़ सकते हो, मैं उसको स्किप कर दूंगा, लेकिन आपको वो इसके अंदर नोट्स के अंदर यानी पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे आपको मिलेगा। मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया तीन कैटेगरी में, कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा डायलेक्टिक्स। जी इस पे क्वेश्चन बनते हैं तभी ये चीज़ें लेके आऊँ, मैं आपको बता दूँ। कंडक्टर्स आपको पता ही है यार, जिनके अंदर चार्ज आसानी से फ्लो कर सकते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर की लिस्ट बड़ी लंबी है सर, मास तो न्यूटन और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, प्लीज़ क्लियर दिस। देखिए आशीष कुमार, एक एटम का मास जो होता है, एक एटम का मास होता है वो एक्चुअल में तीनों से ही बना होता है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है जी। हालांकि इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन जीरो तो नहीं होता ना। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उस बॉडी का जो पहले मास था उसके कंपैरिजन में थोड़ा तो कम होगा ना, हालांकि है ये नेग्लिजिबल। बिल्कुल क्रिकेट लवर, बिल्कुल मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते अक्षय, एक्चुअल में न्यूट्रॉन भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से। एनडीए के लिए मेरे भाई इतने कमेंट मत कर, स्पैम मत कर। कंडक्टर्स होते हैं जिनमें चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, याद रखना सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, एजी जिसको कहा जाता है। उसके बाद कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी वन एक अच्छी कंडक्टर है, आपको बता दूं। अर्थ भी एक कंडक्टर है, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशंस वगैरह है। रीजन कंडक्टर का होने का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ढेर सारे, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। जनरली जो सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है, देयर गुड कंडक्टर, ओके मेरे भाइयों। अच्छा इंसुलेटर्स आपको पता है, इसको बैड कंडक्टर्स भी कहा जाता है, जिनके अंदर यानी चार्ज आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ वुड, डिस्टिल वाटर है, एयर है, एयर इंसुलेटर है, याद रखना। एबोनाइट, एम्बर, माइका, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके इंसुलेटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जनरली देखा होगा प्लास्टिक की कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना वायर्स के ऊपर, इसी वजह से होती है, दैट्स व्हाई, ठीक है। डायलेक्टिक्स एक तीसरी कैटेगरी है, देखिए क्या ऐसे मटेरियल्स, एक्चुअल में ऐसे कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, सम ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ये भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या बोल देते हैं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे ये कोई मटेरियल है, सबके अंदर प्लस माइनस तो सबके अंदर होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्लस माइनस सेपरेट हो गए, तो इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ गई, सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक मेटल्स को पोलराइज कर सकते हैं, पोलराइज करने का मतलब पहले वो कंडक्टर नहीं थे, फील्ड अप्लाई करने के बाद प्लस माइनस सेपरेट हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रिज्म आ जाता है उसके पास। चार्जिंग के मेथड, भैया इन सब टॉपिक्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब अपन PYQ जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि सर ने ये क्यों पढ़ाया। चार्जिंग के मेथड, किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके जनरली तीन होते हैं, बाय कंडक्शन, बाय रबिंग और बाय इंडक्शन, ठीक है जी। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जिस चीज़ को चार्ज कर रहे हैं और जिससे चार्ज करना है, हाँ बिल्कुल, पहले प्लेट कैपेसिटर के अंदर लगाते हैं। रबिंग में क्या होता है, दो चीज़ों को रगड़ कर, तीसरा होता है इंडक्शन, है ना, बगैर कॉन्टैक्ट के। वन बाय वन देख लेते हैं इनको यार। सबसे पहला तरीका है बाय कंडक्शन, देखिए जी जनरली कंडक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, इनका एक्चुअल कॉन्टैक्ट जरूरी है, एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे अनचार्ज के साथ टच करते हैं। लेट अस सपोज ये कोई मेटल का प्लेट है, कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, जैसे हम इसको टच करेंगे तो इस वाला चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को या तो टच कर दीजिए या बीच में हमने एक वायर लगा दी, होगा क्या, जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज है वो चला जाएगा दूसरे के अंदर, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये बात का याद रखना, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। किससे किससे जाएगा, अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं, ध्यान देना लिख रखा है, इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज आर कनेक्टेड, तो उन दोनों पे चार्ज बराबर बराबर बट जाएगा, इक्वल। अगर इस पे जैसे क्यू चार्ज था, इस पे कोई नहीं था, जैसे टच किया तो दोनों पे क्या हो गया, q/2 q/2 हो गया, ठीक है ना, ये याद कर लेना। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आइडेंटिकल ना हो, अगर नॉट आइडेंटिकल हो, एक छोटी बड़ी हो, कुछ इस तरह से हो, तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, तब तक चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज बराबर नहीं होता, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनील गुप्ता जी एक्सप्लेन कर देंगे यार, अभी देखते जाओ।
दूसरा है रबिंग, जब आप चीज़ों को रगड़ते हो या फ्रिक्शन, तो आपको बताना चाहूँगा हर एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जब चीज़ों को रगड़ते हैं तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से एक बॉडी से निकल के दूसरे में चले जाते हैं। लेट अस सपोज एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, रब किया इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज ए में लूजली बाउंड थे, वो निकल के कहाँ चलेगी, बी में चलेगी। अब ए ने तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, रगड़ने से दोनों पे चार्ज आ गया, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, दोनों पे बराबर चार्ज आता है, जितना चार्ज पहले वाले पे आया उतना ही दूसरे पे आया, बस इक्वल एंड अपोजिट है, एक पे प्लस का आता है तो दूसरे पे माइनस का आता है, ठीक है। तो देखिए जी, ये एक लिस्ट छोटी सी याद कर सकते हैं, जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या, पॉजिटिव वही चीजें होती हैं जो लॉस करती हैं इलेक्ट्रॉन का, माइनस चीजें वही हैं जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन का। यानी इस तरफ जो आप देख पा रहे हो इधर लिस्ट के अंदर, ये वो सारी चीजें जो जनरली लॉस करती है इलेक्ट्रॉन का, और राइट साइड वाली गेन करती है। और ये पेयर याद रखना है, ग्लास और सिल्क का पेयर, यानी ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तब ग्लास से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के सिल्क में चले जाते हैं, ठीक है। फर और एबोनॉइड को रगड़ते हैं तो फर से निकलते हैं, वुल और प्लास्टिक या रबड़ को करते हैं तो वुल से निकलते हैं, एबोनॉइड रॉड और पॉलीथिन को करते हैं तो एबोनॉइड से निकलते हैं, और सबसे मेन ड्राई हेयर, सूखे हुए बालों के साथ कंघा रगड़ते हैं तो बालों से निकल कर वो कहाँ जाते हैं, कोम में जाते हैं, क्योंकि लूजली बाउंड होते हैं, निकल के चले जाते हैं। जिससे निकले वो प्लस का चार्ज, जिसपे गए वो माइनस का चार्ज, जाके टेंशन दे दी। तीसरा होता है बाय इंडक्शन, बगैर टच किए किसी को चार्ज करना, विदाउट कॉन्टैक्ट। अब होता क्या है, देखिए जी, मान लीजिए कोई एक बॉडी थी इस तरह से अनचार्ज थी, आप देख पा रहे हो प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस बराबर है दोनों के अंदर। जैसे एक चार्ज बॉडी लेके आई प्लस वाला, तो वो प्लस वाला सभी माइनस वालों को अपनी ओर खींच लेता है और सभी प्लस वालों को दूसरी ओर रिपेल कर देगा। यानी इस बॉडी के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है ना, इस बॉडी के लाने की वजह से। तो इसी मेथड को अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो डिपेंड करता है ये चार्ज डेवलप किस पे, अनचार्ज्ड बॉडी में कितना था उसके अंदर, और ये जो आया ना उसके अंदर, इनको इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाता है। अपोजिट आता है, एक तरफ माइनस का है तो दूसरी तरफ प्लस का। और ध्यान रखना, अगर आप प्लस वाली बॉडी पास लेके आए थे तो इसकी वजह से इधर माइनस का आया, और अगर आप माइनस का लेके आते तो इस तरफ प्लस का आता, ठीक है। एक्स ग्रुप में थोड़ा सा टफ आता है एनडीए के कंपैरिजन में, अमन शाह, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से कम होता है, मतलब जिसने इंड्यूस किया वो तो ज़्यादा ही रहेगा, और इंड्यूस्ड हुआ वो थोड़ा कम ही होता है। अगला पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी देखें जी, टाइप दो होते हैं चार्ज के, एक प्लस का चार्ज होता है, एक माइनस का होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस प्लस वाला रिपेल, माइनस माइनस वाला रिपेल, यानी एक जैसे चार्ज जो होते हैं ना, लाइक चार्ज वो रिपेल करते हैं। बेसिक बात है बच्चों की, आपको पता है, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर किसी बॉडी का कुछ मास है तभी उस पर चार्ज होने की पॉसिबिलिटीज, अदरवाइज नहीं होगा। सर पीडीएफ में क्वेश्चन जो आप डालते हो उनका आंसर भी डाल दिया करो। यदि चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो चार्ज बॉडी का चार्ज जीरो हो जाएगा, बिल्कुल अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। सर तो पीडीएफ है उसको लर्न करो, बिल्कुल कर लो यार, बिल्कुल पीडीएफ को लर्न करो जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इस पे मैं स्टार लगाना चाहूंगा। चार्ज अगर रुका हुआ है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कोई फर्क नहीं है, चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए तुम्हें कहा एक चार्ज रुका हुआ है, तब उसकी वैल्यू थी वो प्लस 5 कूलम थी और वो मूव करने लगा, तो क्या इसके चार्ज पे फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस कूलम ही रहेगा, लेकिन मास पे फर्क पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है जी। ये न्यूटन के बाद आपको याद होगा, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, यानी आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। मास चेंज हो जाता है मोशन की वजह से, बट चार्ज चेंज नहीं होता मेरे भाइयों, याद रखना। रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ, ठीक है जी। रुका हुआ चार्ज क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास बनाता है। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, स्टार लगा रहा हूं। और अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाता है, ईएम वेव्स, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। चार्ज बॉडी दूसरी लाइटर न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये पीडीएफ जो है ना काफ़ी चीज़ें क्लियर करेगा। मैं आपको बता दूँ शुभम, ये एनडीए के लिए अपन क्रैश कोर्स लेके आए यार, 20-25 दिन का, उसके लिए है। डिटेल के लिए भी मैं, आपको पता होगा, बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कोई खास नहीं है यार, चार्ज सिंपली ऐड हो जाता है, मतलब बॉडीज के अंदर जितना भी चार्ज है सबको जोड़ दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बताता है यार, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है ना वो हमेशा ई का मल्टीपल होता है। देखो, ये देखा गया, सबसे छोटी चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी पे वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलम। ये चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू, इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा ऑफ चार्ज,
क्वांटा ऑफ चार्ज, ये मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से सबसे छोटी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी। मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, पता लगा इससे छोटा चार्ज ही पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज ही पॉसिबल नहीं है। यानी किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा भी ना, तो या तो इतना होगा, या इसका एक गुना होगा, या इसका दो गुना होगा, या इसका तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, सात गुना होगा। वो कभी भी आपको एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो इंटीजर ना हो, हमेशा इंटीजर मल्टीपल मिलेगा, ठीक है ना। यानी किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज है क्यू, वो हमेशा प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन होगा इंटीजर मल्टीपल किसका, ई का। एन हमेशा इंटीजर होगा और ई आपको पता है इसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज कहा जाता है। वैल्यू मैंने लिख दी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है माइनस का, प्रोटॉन पे इतना ही होता है प्लस का, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की पॉसिबल, इससे छोटा हो नहीं सकता। हाँ, हालांकि मैं आपको बताऊँ एक्सेप्शंस हैं। अब क्वार्क्स नाम से भी आपको पता होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है। छह तरह के होते हैं, अप डाउन स्ट्रॉन्ग चार्म टॉप बॉटम। इनके अंदर आपको, अमन शाह बोल रहे हैं सर आपको ये लर्न विद सुमित पे ही अवेलेबल होगा। हाँ, माइक्रोस्कोपी के लिए वैलिड है, बड़े के लिए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं। क्वार्क्स पे इससे भी छोटा चार्ज पॉसिबल है, यानी ई का भी 1/3 पार्ट या ई का भी 2/3 पार्ट हो सकता है, ई क्वार्क्स के लिए, ठीक है ना। और जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तब क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को नेगलेक्ट करके चार्ज को कंटिन्यूस मान के चलते हैं, ऐसे एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। चार्ज कंजर्व रहता है, आपको मैं बताऊं किसी भी इवेंट से पहले जितना चार्ज होगा बाद में भी उतना होगा। ये तो ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता, अरे हो सकता है। अगर ये क्रिएट कर रहे हैं तो हमेशा वो पेयर में होगा, या डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक पेयर में होगा। यानी अगर मान लीजिए आप किसी को रब करते हो, दो बॉडीज़ को, तो देखो रब करने से पहले कोई चार्ज नहीं था, रबिंग के बाद एक पे प्लस आया तो एक पे माइनस का आया, लेकिन आया बराबर, जितना प्लस का उतना माइनस का, पेयर में आया ताकि टोटल जीरो हो, टोटल जीरो, ठीक है ना। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना गामा पार्टिकल यानी फोटोन टूटता है। जब फोटोन टूटता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई बनाता है जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। देखो जरा, गामा पार्टिकल न्यूट्रल है और टूटने पर एक नेगेटिव चार्ज बनी और एक पॉजिटिव चार्ज बनी, लेकिन टोटल अगर आप इसका देखोगे अभी भी कितना है, ये जीरो चार्ज है, न्यूट्रल ही है। यानी चार्ज क्रिएट हुआ लेकिन पेयर में हुए। काइनेमेटिक्स होगा, सरदार जी होगा जॉर्जेट। न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करो यार, हर जगह चार्ज कंजर्व होता है, मैं आपको बता दूं। कूलम्स लॉ चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करता है ना, फोर्स बिटवीन चार्जेस। इसने बताया चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों के वैल्यूज पे, यानी चार्ज की जो वैल्यूज है ना उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लग रहा होगा। ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के, यानी दो चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना आर, ये जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। दोनों को कंबाइन करते हैं, आपको पता होगा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर सीजीएस सिस्टम है तो यार इसको हटाओ और सीधा 1 लगा दो। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में ये 1 ही होता है। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपके पास जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है वो सिंपल बन जाता है, F = Q1 Q2 / R². लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं सीजीएस की जगह ऐसे ही सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम में इसके की वैल्यू होती है बेटा 1/4π ε₀ 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत कम चांस है इसके बारे में पूछने का, मैं आपको बता दूं इस वैल्यू का, बट ये की का वैल्यू होता है। अगर आप प्लस टू पास है तो बेटा आपको पता होगा, काइनेमेटिक्स ऑप्टिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे यार सर, फर्स्ट लॉ किसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, सेकंड लॉ कंजर्वेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो अक्षय। ओके, तो वेक्टर फॉर्म भी कई जरूरी नहीं है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखें अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, यानी वो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव तभी होता है जब दोनों या तो प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, इट मीन वो रिपेल कर रहा है, ठीक है जी। अगर आपको बोला Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो इट मीन वो रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। बस इतनी बात याद रखना, फालतू नहीं याद रखनी। अगर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है, इट मीन वो नेगेटिव है, नेगेटिव तभी होगा जब एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, या एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, इट मीन वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात दिमाग में बिठा देना। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यानी दो चार्ज अगर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो हमेशा एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। न्यूटन जी आपको मान गए, हम आपको ओबे कर रहे हैं, ठीक है जी। ये किसने बताया था, ये जो कूलम्स लॉ जो बनाया था ये कूलम्ब ने बताया था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था टॉर्शन बैलेंस से, उसकी हेल्प से बताया था, ठीक है ना। ये जनरली वैलिड होता है स्टेशनरी चार्जेस के लिए और पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है छोटे और पॉइंट चार्जेस के लिए जो रुके हों, ठीक है जी। इस के बारे में ज्ञान की बात है यार, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्लाइड के अंदर है, जो बच्चा पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है। इसका वैल्यू दे रखा है, इसका यूनिट दे रखा है, डायमेंशन फॉर्मूला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी के पास टाइम है जो बोलते हैं जी हम कर सकते हैं तो इस पेज को पढ़ लेना, इसी तरह से इस दूसरे पेज को भी पढ़ सकते हो। एंड ये वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इसमें एक छोटी सी काम की चीज़ है, ठीक है। देखिए एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है जिसको एप्साइलन से लिखा जाता है। देखिए पीछे वाले पेज में आप देख रहे हो एप्साइलन, एक्चुअल में ये बताता है कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो सकता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में अपने आप को कितना डेवलप कर सकता है वो यही फैक्टर डिसाइड करता है। इसको कहा जाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी अगर हम मीडियम की बात करें तो इसको एप्साइलन एम लिखते हैं, इसको एप्साइलन पढ़ा जाता है, एप्साइलन, ठीक है। और अगर हम वैक्यूम की बात करें तो इसको एप्साइलन नोट लिखा जाता है, और उसकी वैल्यू भी यानी चिपका रखी है साथ में, मन हो तो पढ़ लेना अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए जब हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, या मैं आपको बोल दूं दो चार्जेस को हमने रखा, उनके बीच में फोर्स लगा कुछ वैक्यूम में, और उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा मीडियम के आने पर, इनका जो रेशियो होता है बेटा इसको कहा जाता है डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट। क्या कहा जाता है? डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट। सर कहाँ से लाइव आ रहे हो? मैं घर से लाइव आ रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा मेरे भाई, ठीक है। इसको डायलेक्टिक कांस्टेंट कहा जाता है, ये रेशो होती है। एक्चुअल में ये बता क्या रहा है, ये बताता है सबसे बड़ी ज्ञान की बात कि तक कि भी किसी भी मीडियम के अंदर ना दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो जाता है। कितने टाइम्स कम हो जाता है? इस के फैक्टर के टाइम्स कम हो जाता है, और ये के क्या है? डायलेक्टिक कांस्टेंट। ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि किसी मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स वैक्यूम में ही लगता है, ठीक है जी। और के की वैल्यू सबके लिए दे रखी है, जैसे वैक्यूम के लिए 1 होती है, यानी 1 सबसे ज़्यादा फोर्स इसी में लगता है, ठीक है। वाटर के लिए लगभग 80 होती है। कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब कंडक्टर के नाम पे आपको कॉपर बोल दे, आयरन बोल दे, कंडक्टर कोई भी लिख दे, उसके लिए इन्फिनिटी होती है, बाकियों के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। देखिए फोर्स आपको पता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लगभग आपको 10^-15 या 10^18 तक मिले, यानी इनके बीच की आपको मिल जाए, सर कंडक्टर का डायरेक्टली कॉन्स इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तभी तो बताया। शॉर्ट रेंज फोर्स है यार, इन्वर्स स्क्वेयर लॉ को ओबे करता है, यानी फोर्स में आर स्क्वेयर की इन्वर्सली वेरिएशन होती है, बिल्कुल जी हाँ होती है। सेंट्रल फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ मेरे भाई, ठीक है, इससे जुड़े क्वेश्चन आए हुए। ऐसा फोर्स जो क्या करता है, लाइन ज्वाइनिंग पे दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे लगे ना, इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स में नहीं आता। कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहा जाता है जिसकी वजह से वर्क डन पाथ डिपेंड ना करे, वर्क डन जो है ना क्लोज पाथ का जीरो है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा नहीं होता ये पूछा गया था। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है ना, विस्कोसिटी वाला फोर्स विस्कस फोर्स नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, वीक न्यूक्लियर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता। यार ऑप्टिक्स बताओ, थैंक यू वेरी मच। हाँ ग्रेविटेशनल भी सेंट्रल है मेरे भाई, मैग्नेटिक भी सेंट्रल है, ठीक है। मीडियम डिपेंड करता है यार, मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब मायने रखता है बीच वाला मीडियम कैसा है, ये फोर्स बदल जाएगा वरना, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में ही लगता है, बाकी अदर मीडियम में ये के फैक्टर डिसाइड करेगा। जनरली के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, ठीक है जी। और ये स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितना स्ट्रॉन्ग होता है? 10^35 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी 36 गुना, 10^36 टाइम। अरे बहुत बढ़िया जी, सर वो आधा मैग्नेटिज्म आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ाएंगे जी इसके बाद। अगर आज वाली क्लास लेट अस सपोज पूरी नहीं होती इलेक्ट्रोस्टेट्स वाली आज, तो इसका कुछ पार्ट और मैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट एंड विद क्वेश्चंस अपन कल कर लेंगे, ठीक है। ये सोच के आया हूँ मैं आज, तो वो करेंगे यार, मैं इसी के लास्ट स्लाइड्स में भी ऐड कर रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए कोई भी चार्ज जो है ना अपने आस पास अपना एक एरिया सेट कर लेता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे पर डिशुम फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। सर 10^-18 नहीं, -18 नहीं है यार अनिकेत, इतना तो होता ही नहीं है। न्यूक्लियस की रेंज ही -15 मीटर तक है ना फर्मी में, उससे कम नहीं है, वो प्लस का 18 है, प्लस का 18 है, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स प्लस का 18 भी काट दो जनरली, मतलब 10^-, फर्मी से ज़्यादा हो यार, मैं आपको बताऊँ इवन फर्मी 10 फर्मी भी होता है ना तो ये वाला फोर्स लगने लग जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है सर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, ठीक है। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज अपने आसपास एक स्पेस बना लेता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे को अफेक्ट कर सकता है। अब प्लस वाला क्या अफेक्ट करेगा, एक चार्ज क्या काम करेगा? डांस तो करेगा नहीं, झिंगा लाला भी नहीं करेगा। एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का चार्ज अपने आसपास किसी दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, उसको रिपेल कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसी एरिया को यार जिसके अंदर ये हरकतें कर रहा है, एक चार्ज अपने आसपास जिस जगह पे अपनी हरकतें दिखाता है यार, उसी को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यार, ये तो पता लगेगा उसके पास जाके,
उसके फील्ड में जाके, उसके फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जाके वो कितना फोर्स लगाएगा, ये हमें पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। शॉर्ट में इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, किसी चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करनी है तो वो पता होती है मेरे भाई किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से। और मैथमेटिकली थोड़ा सा बोला जाए तो यार, आपने मान लीजिए एक चार्ज ले रखा है, जैसे ये चार्ज है, इसके आसपास का फील्ड देखो, इसका आसपास का कोई फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है। किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक लॉन्ग लास्टिक होता है यार, वहां तक जाके खत्म होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं। तो मैंने क्या किया, इसके फील्ड में एक पॉइंट लिया, जैसे ही मैं इस पॉइंट पे एक और चार्ज लेके आया, कोई क्यू नोट लेट अस सपोज, तो इसने उसको फोर्स लगाया, है ना, जैसे लेट अस सपोज ये प्लस सी है तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगा डिवाइड बाय ये जो चार्ज है जिस पे फोर्स लगा, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, यानी वेक्टर फॉर्म दिख गया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होगी डायरेक्शन ई की, जो डायरेक्शन है फोर्स की, जिस तरफ फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन है। एक प्लस वाला चार्ज दूसरे प्लस को, हमेशा छोटा चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज प्लस का ही लेते हैं, प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, एक माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स है यही फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम होता है और इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो आप, क्योंकि आपको फोर्स का पता होगा, m1 L1 t - 2, डिवाइड करना है बस किससे, कूलम से, यानी a1 t1 से। फॉर्मूला क्या है, देखें जी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपके पास कोई चार्ज गिवन है और वो किस फील्ड में रखा गया है, दोनों वैल्यूज पता है, तो आप उस पे लगने वाले फोर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। कब से शुरू करेंगे, साथ साथ कर भी तो रहे हैं, आपको पता होगा एक क्लास ली थी हमने, 30-40 क्वेश्चन किए थे, है ना। एक चार्ज जो है ना, याद रखना, एक चार्ज को जब फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है ना, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये क्यू ई है तो एक्सेलेरेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्लस वाला जो चार्ज होता है उस पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, बस ये याद रखना। आप फील्ड की हेल्प से किसी चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड भी कर सकते हो, जैसे एक चार्ज पार्टिकल लेट अस सपोज प्लस का है, तो मुझे पता है उसका कुछ वेट है, तो वेट उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया जो इस चार्ज पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज वाला फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटी वाला फोर्स है, और बाय चांस अगर ये दोनों वैल्यू में बराबर आ जाए तो वो चार्ज पार्टिकल वहीं लटका रहेगा, ना नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा। इस कंडीशन में, इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में क्या होगा, जो फील्ड वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg के बराबर आ जाएगा, तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी चीज़ की, कितना फील्ड चाहिए या कितना चार्ज होना चाहिए उस पर। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए, जैसे मैंने आपको बोला एक प्लेट प्लस की है एक प्लेट माइनस की है ऐसे, तो इसके बीच में से एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, प्लस का हो या माइनस का, वो क्या सीधा चला जाएगा, नहीं ना, प्लस का है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर वो माइनस है तो नीचे की तरफ चला जाएगा। इसका जो पाथ होता है ना, वो याद रखना पैराबोलिक होता है, बस इतना याद रखना है, पाथ जो होता है ना पैराबोलिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अक्षय, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसका चार्ज बाय मास रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उतना ज़्यादा मुड़ जाएगा, जिसका चार्ज बाय मास रेशियो कम होगा वो उतना कम मुड़ेगा अपनी ओरिजिनल पाथ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे कैसे यार, एक चार्ज ने अपने आसपास एक फील्ड बना रखा है, उसको समझने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, बस उन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये बताती है। अब डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम क्या करेंगे, उस पर एक पॉइंट बनाएंगे, सबसे पहले उसका एक टेंजेंट बनाएंगे, जो टेंजेंट है वो हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। थर्मोडायनेमिक्स भी होगा यार, करमप्रीत सिंह चिंता ना करें, मैं तुम्हें सारा करवा के जाऊंगा, है ना, करमन जी चिंता ना करो, तुसी मैं तुम्हें दस्या जी सारा दा सारा कंसेप्ट तुम्हें पढ़ावांगा करावांगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कर्व लाइन है, तो कर्व तो यार हर जगह मुड़ रही है, तो मैंने इस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक ज्ञान की बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन होता है, और कर्व लाइन मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलना होता है। स्ट्रेट लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल डायरेक्शन है, और अगर कर्व लाइन है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता जाता है। कुछ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होती हैं। डाइपोल के लिए बनाए तो पॉजिटिव से बाहर निकला, नेगेटिव के अंदर चला गया, ज्ञान की बातें हैं। प्लस प्लस है, रिपेल करेंगे तो बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है, बीच में ये पॉइंट है जहाँ फोर्स नहीं लग रहा, इसको हमने बोल दिया न्यूट्रल
पॉइंट। ऐसे माइनस माइनस वाला के बीच में भी फील्ड नहीं होता, यहाँ पर जीरो हो जाता है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो बड़ा जो है ना वो अपने दूर तक फील्ड बना लेगा तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे की तरफ खिसक जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो पेज देख रहे हो। हाँ, एक प्लेन शीट है, प्लस की है तो फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा, माइनस है तो अंदर की तरफ बनाएगा। अगर कहीं पर ऐसे पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, इनके बीच का ये जो गैप है ये बराबर है और स्टेट है, इट मीन डायरेक्शन सेम है। ठीक है जी, ये जो गैप है ये बताता है इसकी वैल्यू के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बारे में बताता है। अब देख लो, गैप बराबर बराबर है यानी वैल्यू ई का बराबर है, और लाइन स्टेट है तो मतलब डायरेक्शन सेम है। ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अरे अक्षय, अक्षय यार थोड़ा सा इंतजार कर, अक्षय सब बताऊंगा यार, कुछ लेके नहीं जाऊंगा घर पे, तेरे को देख के जाऊंगा सब कुछ। ठीक है जी, चिंता ना करो, सब बताऊंगा। तो देखो, अगर क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा चाहिए तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन जो है ना, अरे कहाँ गया मार्कर, जिसमें डायरेक्शन भी सेम रहे और वैल्यू भी सेम रहे, ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाता है। पहचान क्या है, पैरेलल लाइन सीधी लाइन। ठीक है जी, हर जगह फील्ड सेम मिलता है इसके अंदर। तो जनरली ये मिलता कहाँ है, कैपेसिटर अगर हो ना, एक प्लस की प्लेट हो एक माइनस, उसके बीच का फील्ड ऐसा ही होता है कुछ। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म देखिए जी, ऐसा फील्ड जिसमें या तो वैल्यू बदले या डायरेक्शन या दोनों बदले। पहला डायग्राम देख रहे हो, डायरेक्शन ऑलमोस्ट वही है, उधर ही जा रहा है, लेकिन इनके बीच का गैप ज़्यादा है और यहाँ पर हो गया गैप कम। तो यानी इस केस में जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और इस वाले डायग्राम में देखो, गैप ऑलमोस्ट बराबर है, यानी जो वैल्यू है ना वो तो है सेम, क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि लाइन क्या है, कर्व, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट्स वाई ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और यहाँ पर दोनों ही गैप भी बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, तो इसके अंदर वैल्यू और जो डायरेक्शन है दोनों की दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट्स वाई ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो एक पॉइंट चार्ज का, डाइपोल का, ये जो पीछे जितने भी डायग्राम बने थे ना, ये सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था, लास्ट वाले को छोड़कर, प्लेन शीट वालों को छोड़कर। अरे बाद में बताएंगे यार, सुन सर कैसे जानते यार, भाई है बड़े यार। क्वेश्चन कब होंगे दीपक सिंह, मैं आपको बताऊँ, दो सेशन के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म करने के बाद हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे, देन अपन फिर स्टार्ट कर देंगे अपने प्लस वन के कंसेप्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले, ठीक है, SHM, ग्रेविटेशन, उनको पढ़ेंगे। तो देखो, पॉइंट चार्ज अगर एक प्लेट के पास रखो तो लाइनें कुछ ऐसे बन जाती हैं। कैसे बन जाती है, देखो ऊपर प्लस है तो ये माइनस का इंड्यूस हो जाएगा, माइनस का इंड्यूस हो जाएगा तो लाइनें अंदर चली जाएंगी। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आप सबको पता होगा, कंटिन्यूस कर्व होती हैं, इनमें ब्रेक ब्रेक नहीं होता, ऐसा नहीं आधी लाइन बनाई फिर गैप दे दिया फिर आधी लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। ये किस में से, कंडक्टर में से पास नहीं हो सकते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान की बात याद करना, किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जॉर्जिन, आप अपना नाम बताओ, क्या है आपका नाम, ठीक है। दीज लाइन्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती, या तो बाहर निकलेंगे अंदर आएंगी, कोई ऐसे गोल घूम के नहीं आएंगी, ठीक है, हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस भी बॉडी से चार्ज, जिस भी बॉडी पे चार्ज है जिसमें से भी ये लाइनें निकल रही है, वो हमेशा 90 डिग्री से बाहर आएंगी अंदर आएंगी, कभी भी आपको एंगल लेस देन 90 नहीं मिलेगा या ग्रेटर देन 90 नहीं मिलेगा, हमेशा 90 मिलेगा, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब अकेला प्लस का चार्ज है तो लाइनें उससे स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक जाएंगी, अकेला माइनस का चार्ज है तो लाइनें इन्फिनिटी से उस चार्ज तक आएंगी, और अगर दोनों हैं तो प्लस से निकलेंगी माइनस के अंदर जाएंगी। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अगर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पर लाइनें भी नहीं होगी, ठीक है, जैसे कंडक्टर के अंदर वहाँ फील्ड ही नहीं है तो लाइनें नहीं होगी। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। टेंजेंट जो होता है ना इनका, वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी भी पॉइंट पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा कर लेती हैं तो उस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट बनानी पड़ेंगी, दो दो टेंजेंट मतलब दो दो डायरेक्शन, बट ऐसा तो होता नहीं, एक पॉइंट पे तो सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए। सबसे मेन लास्ट वाला देखो, जहां फील्ड की लाइनें पास पास होती हैं, मतलब उनकी क्राउडनेस जो होती है ना, भीड़, वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है, जितनी भीड़ ज़्यादा होगी मतलब फील्ड वहाँ उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपने याद रखना है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, आप अगर E1 पॉइंट को देखो और E2 पॉइंट को देखो, तो भीड़ ज़्यादा लाइनों की यहाँ पर है तो यहाँ वाला फील्ड स्ट्रॉन्ग है और दूसरी जगह वीक है, ये एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। दीना बंधु मिश्रा, मिश्रा जी बोलेंगे आपको, है ना मिश्रा जी, ओके। हाँ सरदार, मुझे सरदार बोल रहा है, आई थिंक सो, मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने पगड़ी वगड़ी तो बांध नहीं रखी तो मुझे सरदार कैसे बोल रही है, ओके। गॉस थ्योरम, एक्चुअल में गॉस ने एक थ्योरम बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए किसी भी एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको मेजर करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिंक हो रहा है किसी के साथ उसको मेजर करने के लिए एक टर्म होती है जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। हाँ हो जाएगा यार, पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। गोज ने बस यही बताया कि किसी भी बॉडी, कोई भी सरफेस आपके पास हो, क्लोज होना चाहिए, क्लोज मतलब समझते हो, बंद होना चाहिए, तो उसको अगर वैक्यूम में रखा है तो उसके अंदर चार्ज रखा है तो उसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा,
तो बोलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी का टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो तो बस क्या करो, उसके अंदर जितना भी चार्ज है ना उसको 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, बस एक काम कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये मान लीजिए कि डिब्बा है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, बस आप इस चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपके पास इसका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें सर कल से नहीं परसों से होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी करने ना अपने, आई थिंक सो परसों से ट्राई करेंगे। ये रेगुलर सर्फेस और इरेगुलर सबके लिए वैलिड है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, यानी आपने एक चार्ज को डिब्बे में रख रखा है, स्फीयर में रख रखा है, सिलेंडर में रख रखा है, चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी सेम होगा, बिकॉज फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड सिमेट्री। देखिए जैसे आप देखिए इसके अंदर बड़ा छोटा लिया, उससे छोटा लिया, चार्ज अंदर तीनों के अंदर ही सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। ठीक है ना, आप उसको रिड्यूस कर दो, एक क्वेश्चन जैसे बना दो, एक स्फीयर है उसके अंदर कुछ चार्ज रखा गया है, उसकी रेडियस श्रिंक होकर आधी होगी, तो अब कितना फ्लक्स होगा, यार फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता। थैंक यू वेरी मच अंकित राजपूत जी, बस शेयरिंग लाइक करता रहे आप। सर जी मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, सॉरी लाइन नहीं आता। अनुज दुबे कोई बात नहीं यार, कमेंट जरूर करके जाया करें अगर आप ऐसा करते हैं तो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो यार कमेंट जरूर करके जाया करें। ठीक है, शेप पे डिपेंड करता मैंने बता दिया। अच्छा, ये सिर्फ डिपेंड करता है अंदर वाले चार्जेस पे, बाहर वाले चार्जेस का कोई मतलब नहीं है, जैसे ये प्लस वन बाहर पड़ा है कोई फायदा नहीं है, अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा, यानी 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए अंदर प्लस और प्लस, प्लस वन प्लस टू है तो टोटल प्लस थ्री हुआ, तो 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला चार्ज ही ऐसा करता है। ये थिंक ऐसा ही होगा बिल्कुल, ग्रेविटेशन करेंगे क्रेडिट दीपक, इसके बाद आज क्लास नहीं है अनअकैडमी पे, एंडी ज्वाइन करने के बाद आपसे जरूर मिलेंगे। यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लास्ट ईयर बोले थे कुछ सेलेक्ट भी हो गया है, फाइनली रिकमेंड भी होगी कुछ बच्चे, बट यार मिलने कोई नहीं अभी तक। चलो इंतजार रहेगा। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स भी जीरो होता है, क्योंकि चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए बोल दिया, एक सिलेंडर के अंदर डायपोल को रख दिया, अब डायपोल होता है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, तो टोटल चार्ज तो जीरो होता है, जितना प्लस का उतना माइनस का, तो फ्लक्स भी होगा जीरो। ठीक है जी, जैसे एक स्फीयर के अंदर चार्ज रख रखा है तो फ्लक्स आपको पता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर आपके पास आधा स्फीयर है तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, आपके पास आधे स्फीयर का भी आधा पार्ट है तो 1/4 हो जाएगा। हाँ, अनअकैडमी पे भी कोर्स है लेकिन वो काफ़ी पुराना है। हाँ बिल्कुल, अनिकेत कुमार झा इसकी वैल्यू वैसे नहीं पूछेगा, बट मैंने कुछ पीछे स्लाइड्स के अंदर इसकी वैल्यू भी लिखी हुई थी, अनअकैडमी पे पुरानी क्लासेस हैं। आप देखो, अगर आप गेमिंग के अस्तित्व जो भी आपका नाम है, तो मैं आपको बताना चाहूँ अनअकैडमी पे आप मेरी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज देखें स्पेशल क्लासेस में, थोड़ा सा ढूंढ के वो आपको बेनिफिट देगी, कोर्स की बजाय प्रीवियस क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज लगातार लगाई थी, 2012 से लेकर शायद 18-19 तक के पेपर सारे किए थे, वो देख लो यार, जिनमें आईपी की गोली है साथ में, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, देखो डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को एक साथ रख रखा है किसी तरह से, ऐसे तो प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेगा, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन आपने उनको सेपरेट करके रखा हुआ है किसी तरह से, तो इस कॉम्बिनेशन को आपने इलेक्ट्रिक डायपोल नाम देना है। ठीक है ना, ये दोनों चार्ज वैल्यू में बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, सेपरेट होते हैं बाय सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस रख दिया अट्रैक्ट करके चिपक गए जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बी मोटिवेटेड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो जैसे रिप्रेजेंटेशन किया हमने, मान लीजिए आप देखो जरा, यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर प्लस का चार्ज रखा, ठीक है ना, दोनों बराबर है, क्यू क्यू है, बस एक माइनस का एक प्लस का है, प्लस पे फिलहाल नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, पहले पढ़ाया था, आप नहीं पढ़ा रहा, अभी तो सिर्फ फ्री क्लासेस लगाता हूँ कभी कभी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको जनरली 2a से लिखते हैं, 2a जरूरी नहीं है, आप ए भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, बस अपने थोड़ा सा डेरिवेशंस करने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए 2a मान लेते हैं। सर YouTube पे भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिला तो, जैसे डायपोल का एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, HCl का, जैसे आप देखो इस डायग्राम के अंदर H के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन पे नेट चार्ज नेगेटिव होता है तो ये मान लीजिए नेगेटिव सारा का सारा यहीं कंसंट्रेटेड है, और हाइड्रोजन पे प्लस होता है तो इनका पॉजिटिव चार्ज लेटर सपोज यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस देख रहे हो, यानी सेपरेट है कुछ डिस्टेंस से, एक डायपोल ही तो बना। ठीक है, ये प्लस और माइनस चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डायपोल लेंथ कहा जाता है, जनरली 2a से लिख देते हैं। ठीक है, आइडियल डायपोल किसको बोलते हैं, एक ऐसा डायपोल जिसका चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका बीच का डिस्टेंस कम से कम हो, है ना, लेंथ कम से कम हो, यार उसको क्या बोलते हैं, आइडियल डायपोल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, टोटल चार्ज डायपोल का जीरो होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए अगर आप क्या करो, डायपोल के चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, क्यू इंटू टू ए, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लेनी है, ये बात आपने याद रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यूनिट इसका कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर ये इसका ऐसा यूनिट है, सीजीएस के अंदर इसका यूनिट होता है डिबाए, एक बार आपके एग्जाम में आए हुए मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। कैडेट दीपक सिंह, यार कौन से पूछना चाहता है, ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा यार, ऑप्टिक्स देन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उसके बाद ऑप्टिक्स के बाद।
ठीक है ना। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेव है, साउंड वेव है, ये इंपॉर्टेंट ही तो है, ठीक है। तो ये याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है इसका, ऐसा यूनिट कूलोमीटर होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट होता है इसका डिबाई, केमिस्ट्री में जनरली ये यूज़ होता है, एक बार आया भी हुआ है डिबाई के बारे में, नीचे लिक्विड का कितना होता है, वैल्यू नहीं पूछा था, जस्ट दे रखा था डिबाई यूनिट होता है कुछ ऐसा करके। हाँ यार पढ़ रहा हूँ मैं आपके कमेंट को, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ लव, ठीक है। मैंने बोला प्लस पे पहले क्लास थी यार, अब नहीं है, आप मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं तो आपको शायद जवाब मिल जाता। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका कुछ डाइपोल मोमेंट हो, कुछ ना कुछ हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, यानी प्लस माइनस के चार्ज हों उसमें और सेपरेट भी हों, अलग अलग भी हों, जैसे प्लस का ये रहा माइनस का ये रहा, देख सकते हो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ऐसे को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl है, H2O है, NaCl है, ये आपके कुछ एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल्स के, यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर किसको बोलते हैं, जिसमें प्लस माइनस तो हो लेकिन एक ही जगह चिपके बैठे हों, मतलब मिलजुल के बैठे, मियाँ बीबी गठजोड़ा बना के बैठे, दूर दूर होने का नाम ही ले रहे। हाँ सर परसों करवाया था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, जब प्लस माइनस एक ही जगह पड़े हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन एक बात है, जैसे ही रखते हो फील्ड के अंदर ये हो जाते हैं पोलराइज, ठीक है। पोलराइज मतलब प्लस माइनस एक जगह थे, फील्ड लगाते ही प्लस अलग हुआ माइनस अलग हुआ, जैसे एक प्लस का प्लेट लगा दिया एक माइनस का लगा दिया, माइनस वाला प्लेट प्लस को खींच रहे हैं, प्लस वाला प्लेट माइनस को खींच रहे, अलग अलग हो गए ना पोलराइजेशन का, तलाक हो गया इनका पोलराइजेशन का, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, पोलराइजेशन हमेशा डायलेक्ट्रिक मटेरियल का होता है जिनमें प्लस माइनस सेपरेट हो जाते हैं, नॉन पोलर ही पोलराइज होते हैं, ओके, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखिए, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, बस आ गया आपका टॉपिक। अगर अपन क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म मैंने बताया था, यूनिफॉर्म वो होता है जिसका डायरेक्शन और जिसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों क्या रहे, सेम रहे, वैल्यू हर जगह सेम रहे, तो सेम फोर्स लगाता है वो हर जगह। एक डायपोल को रख दिया फील्ड के अंदर, डायपोल मतलब प्लस और माइनस से बना है, आपको पता है, प्लस वाले पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा, माइनस वाले में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। एक डायपोल पे इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स घूम जाएगा, रोटेट करेगा, यानी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते ही वो घूम जाएगा, रोटेशन, इसको टॉर्क बोलते हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो यार, ठीक है जी। लर्न विद सुमित कोड यूज कर सकते हो आप, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा क्वेरी वाला, आप वहां से भी पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था ये घूम जाएगा, कब तक घूमेगा, जब तक ये सीधा नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक ये ई के अलोंग अलाइन नहीं हो जाता, ठीक है। एक बात याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो दोनों पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बराबर है, इस पे जितना लग रहा है उतना ही उस पे लग रहा है, बस प्लस माइनस का फर्क है, टोटल फोर्स जीरो है, ये याद रखना। नेट फोर्स जीरो होता है, इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये डायपोल है ये इधर नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ये सिर्फ अपनी जगह पे घूमेगा, यानी इस पे सिर्फ लगेगा टॉर्क। उस जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, पी अभी भी कहा डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू टू ए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साइन ऑफ थीटा, थीटा एंगल है बेटा पी और ई के बीच का, ठीक है जी। नमस्ते सर जी, नमस्ते आशीष जी, आई एम फाइन रोहित कुमार शर्मा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो पी क्रॉस ई, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी आ सकता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्ञान वाली बात क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो वो स्टेट नहीं मूव करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा, एफ नेट जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। कुछ स्पेशल केस थीटा जीरो वाला केस होता है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पे रह जाता है तो थोड़ा बहुत भी हिलाओगे वापस इसी जगह आ जाएगा, सबसे बेस्ट इसकी यही पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लर्न विद सुमित, पीई साइन थीटा होता है मेरे भाई टॉर्क का, पीई साइन थीटा होता है अजय चौधरी। 180 डिग्री वाला एंगल जो होता है इसको अनस्टेबल की कंडीशन कहा जाता है, मतलब यहां पर रखा हो टॉर्क तो जीरो होता है, घूमता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी हिला दो वापस से जीरो वाली कंडीशन में आ जाता है, मतलब बड़ा अजीब सा केस है, ठीक है। और थीटा 90 वाला जो केस होता है ना, इस केस में टॉर्क लगता ही नहीं है, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क लगता है इस केस में 90 वाले कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में टॉर्क नहीं लगता, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों केस में वो घूमता नहीं है, पड़े रहते हैं। जीरो वाले पे तो खुशी खुशी होकर वहीं पड़ा रहता है, 180 वो पे वो दुखी होकर। सर आपका एनडी 2020 में कराया था, वो वीडियो नहीं मिल रहा, इस चैनल पे नहीं है यार, वो सारे वीडियोस आई थिंक सो डिलीट हो चुके हैं, नई जो कोर्स है इसी से आप पढ़ो यार, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होगा, ऐसा होते ही समझ लेना कि जो फोर्स है ना, फोर्स जो है ना उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर जगह, इसकी वजह से किसी एक पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, किसी एक पे कम लगेगा। ऐसे केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी वो ट्रांसलेटरी भी मूव करेगा और रोटेट भी करेगा, यानी वो घूमता हुआ शायद आगे की तरफ बढ़ जाए, ये चीज़ आपने याद रखने। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आते ही नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क तो जीरो था ही नहीं पहले से, ये स्ट्रेट भी चलेगा और गोल घूमेगा, दोनों मोशन करेगा, ठीक है। अगर आप एक डायपोल को रोटेट करवाना चाहते हो फील्ड में, लेट अस सपोज आपको बोला कि डायपोल है वो थीटा एंगल पे पड़ा है, थीटा टू एंगल पे उसको रोटेट करो, जीरो डिग्री पे पड़ा है 90 पे लेके आना है, 90 पे रखे 40 पे लेके आना है, यानी किसी एक एंगल से दूसरे तक रोटेट करवाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, बहुत रेयर चांस है इस पर।
थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत कम चांस है इस पे अलग ही क्वेश्चन पूछने की, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखें. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेना. देखिए, डायपोल किसी भी पोजीशन पे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोजीशन की वजह से एक एनर्जी रहता है, आपको पता होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का होता है माइनस का पी ई कोस थीटा. ये थीटा वो पोजीशन है, वो एंगल है जिस पे एक डायपोल को रखा गया. ठीक है जी, ये याद रखना. कुछ अलग अलग शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए, अगर आपके पास एक इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, एक तार है जिस पे चार्ज है, तो तार से किसी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है हमारा पी, तो पी पॉइंट पे फील्ड एक तो बाहर की तरफ होगा, अगर प्लस का चार्ज है, माइनस का होता तो अंदर होता. ठीक है, साथ ही साथ कितना होता है इसका वैल्यू, वो होता है ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2π ε₀r. लेमडा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ. यानी इससे सिर्फ ये याद रखना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली होता है. जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहेगा. बस ये सबसे मेन याद रखना है, बाकी और कोई काम का नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं तो कंडक्टर के अंदर रख देंगे, क्योंकि यार वहां तो फील्ड है ही नहीं, फील्ड से तो बच जाएगा. हाँ जतिन, मुझे याद है मैंने कहा आज की इस वीडियो में जितने इसके कंसेप्ट हो गए, ठीक है, कुछ बच जाएंगे और मैग्नेटिज्म के कंबाइंड करके कल वाली क्लास में उनको पढ़ लेंगे अपन. ये तो बोल रहा हूँ जतिन, बिल्कुल करवाए जाएंगे यार. ठीक है यार, लाइक्स कर दो जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को. इनसाइड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, तो अंदर रख दो यार किसी चीज़ को फील्ड से बचाना है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है. याद रखना, इनसाइड कंडक्टर के फील्ड जीरो होता है. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, फायदा क्या है, थंडरस्टॉर्म के अंदर तूफान वगैरह आ रहा होता है ना, बिजली ना गिरे, तो हम एक व्हीकल के अंदर सेफ होते हैं अंदर, क्योंकि मेटलिक की बॉडी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी गिरती है तो ऊपर से होके अर्थ पे चली जाएगी, तो अंदर फील्ड नहीं रहेगा, तो हम सेफ है. ठीक है, वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उनको बचाने के लिए भी इस मेथड का यूज़ करते हैं. टीवी केबल्स को डिज़ाइन करते हैं ना, तो देखा होगा एक से तार के ऊपर एक जाली सी होती है, वायर की मैश होती है एक्चुअली में, ताकि अंदर जो फील्ड है वो जीरो रहे, ताकि अंदर वाले पे इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इतनी देर से पढ़ा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन. अब क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास का जो उसका इलाका है, फील्ड है, उसको समझने के लिए एक और कंसेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर आपके पास कोई चार्ज है, कोई छोटा सा चार्ज है, यूनिट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, काइनेमेटिक्स होगा यार, 2 या 3 दिन के बाद काइनेमेटिक्स होगा. तो एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर, कहाँ से, इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लेके आऊँ मैं अंदर फील्ड के, तो उसको लाने के लिए यार कुछ वर्क डन करना पड़ा हमें, बिल्कुल करना पड़ा. कितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल कहा जाता है. अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन चाहिए मुझे, सबसे पहले इन्फिनिटी से, लेट अस सपोज तुम ए तक लेके आए, तो इन्फिनिटी से ए तक का वर्क डिवाइड बाई जिस चार्ज को लेके आए उससे डिवाइड किया, तो क्या आएगा पोटेंशियल, कहाँ का, इस पॉइंट का. तो पोटेंशियल किसी पॉइंट स्पेसिफिक होता है, तो निकालेंगे कैसे, वर्क डन बाई चार्ज से. ठीक है, इसका यूनिट जो रहता है वो वोल्ट रहता है, पोटेंशियल कोई भी हो वोल्ट ही यूनिट रहता है, आप सब बच्चों ने याद रखना है. 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर डिवाइड बाय 1 कूलम होता है. डायमेंशन फॉर्मूला खुद बना सकते हो, क्योंकि जूल एनर्जी का है, एनर्जी का पता होगा, m1 L2 t-2, और चार्ज का होता है a1 t1, पुट करके निकाल सकते हो. याद रखने योग्य बात, स्टार लगा रहा हूँ, अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है और इन्फिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो लिया जाता है. किस किस का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है? अगर हम अर्थ के पोटेंशियल की बात करें, जीरो कंसीडर करते हैं, और अगर किसी चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पर भी जीरो मान के चलते हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है, हायर से लोअर जाता है. सोर्स चार्ज आपका कोई भी हो, एक पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दो या कहीं भी रख दो, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागता है, और नेगेटिव उसका उल्टा. नमस्कार जी, कपिल शर्मा जी नमस्कार. ठीक है, या फिर आप एक बात और याद रख सकते हैं, अगर सोर्स चार्ज प्लस का है, ठीक है, और माइनस चार्ज ले रहे हो आप कंसीडर कर रहे हो, तो वो लोअर से हायर, हमेशा लोअर से हायर. नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर मूव करता है, ये बात याद रखें. ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए आता है, यानी जो कंजर्वेटिव नेचर को ओबे करते हैं वही वही पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है, वही वही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो. हाँ, पढ़ सकते हैं बिल्कुल रविंदर सिंह. पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी आप किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक किसी भी पाथ से लेके आओ. जैसे पीछे वाली स्लाइड में हमने एक डायग्राम दिखा था कि हम ऐसे लेके आए थे, आप उसको घुमा के यहाँ से यहाँ ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाथ इंडिपेंडेंट है क्योंकि कंजर्वेटिव है ना. कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो याद रखने हैं, एक पॉइंट चार्ज, यानी अगर एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज से हमने कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बना लिया, इस पॉइंट का नाम रखा पी, इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/4 ε₀ q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वेयर के इन्वर्सली वेरी करता है, और इसी सेम पॉइंट पे इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला ये रहा.
क्या होगा वही v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी ये आर के इन्वर्सली है। बस ये छोटा सा डिफरेंस आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वेयर पे डिपेंड करता है इन्वर्सली और पोटेंशियल आर पे। यार आ सकते हैं यार, ठीक है। अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, बस इतना याद रखें कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो इसके अंदर हर जगह जीरो होता है यार, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और आउटसाइड जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है, बस ये याद रखें। और पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में याद रखना पोटेंशियल के अंदर अंदर हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है, कितना होता है जितना सरफेस पे, ये याद रख लिया, देख लीजिए ये सब जगह सेम आ रहा है ना, पोटेंशियल सिर्फ एक ही जगह जीरो होता है इन्फिनिटी पे, बाकी अंदर हर जगह सेम होता है। पोटेंशियल अंदर सेम है लेकिन फील्ड अंदर जीरो है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला एक स्फीयर है, उसके सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो उसके अंदर अगर हम जाएं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, ये सेंटर है, अंदर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, ये 5 वोल्ट ही होगा, अंदर हर जगह कॉन्स्टेंट होता है, याद रखें। जोग्राफिकल नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ होता है सर, बुक में दिया हुआ है, आप शायद कुछ और बोल दिए, एक बार कन्फर्म कर दो प्लीज़। वी एस मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा आप कन्फर्म कीजिए, बुक के अलावा आप अच्छे जो सोर्स हैं इंटरनेट पर, अच्छे फिजिक्स के सोर्स जो आप जिनको बोलते हो, आप उनको देखें यार, दोनों लगाओ गुजर जी, दोनों लगाओ, ये तो इस टाइम लाइव लगाओ और वो दिन में जब भी टाइम मिले वो लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल इन डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आशीष कुमार, इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। वी एस मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा कन्फर्म करें, जो मैंने कल वीडियो में बताया वो बिल्कुल सही बताया, आप थोड़ा सा अच्छे सोर्सेज से कन्फर्म करें, अच्छे वाली बुक से कन्फर्म करें, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इनके बारे में, है ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना वी एस, ठीक है, ये याद रखें। तो यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग है मतलब अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, तो इस बार अंदर जीरो का खेल नहीं है, जीरो सिर्फ सेंटर पे होगा, अंदर जीरो नहीं है, ठीक है ना, अंदर इन्फिनिटी पे तो जीरो होता ही यार, ठीक है, सेंटर पे जीरो होगा, सिर्फ सेंटर पे, बाकी हर जगह आपको फील्ड मिलेगा कुछ ना कुछ, और पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ अंदर होता है, जीरो नहीं होता है, याद रखें। सुमित सर ने भी अनअकैडमी पे बताया था देखिए वी एस मेरी आपको बात समझे नहीं, आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ना देखें, आप फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें। ज्योग्राफिकल साउथ साउथ नॉर्थ जो है वो तो है ही, मैग्नेट का कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ फिजिक्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, वी एस ही मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यार, गोली टाइम मिली तो देंगे, ठीक है। वी एस मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप फिर से थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छी बुक से आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं सुमित सर को नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं और मैं आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर रिंग का, एक सर्कुलर रिंग है उस पर कुछ चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है, तो इस वजह से इसके सेंटर पर फील्ड जीरो होता है, सेंटर पे जनरली चीज़ें जीरो ही होती है फील्ड की वैल्यू, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे धक्के से मत मानो वी एस जी, मैं आपको बोल रहा हूँ आप कंफर्म करें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मैं आपको सिंपली बताऊँ, एक चार्ज पार्टिकल उस पर कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दे तो वो एनर्जी गेन करता है, बस उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, इसी से एक यूनिट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, चार्ज है, और वी क्या है एक्चुअल में, पोटेंशियल है, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, यानी ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये याद रखने योग्य बात है। हाँ विक्रमादित्य गुजर लगाएंगे यार, अरे ऐसा कुछ नहीं है, नींद वाला ज्योग्राफिकल ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्जियन मैराथन क्लास लगाएंगे, एग्जाम के नज़दीक दिनों में लगाएंगे यार मैराथन क्लास, अभी नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और, अगर n छोटी छोटी बूंदे हैं, ठीक है, सबका पोटेंशियल मान लीजिए वी स्मॉल है, अगर वो जुड़कर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, याद रखने का डायरेक्ट फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप इज इक्वल्स टू n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, n है यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। कैपेसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, आगे बता दूंगा तुम्हें, कैपेसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके उनकी कंबाइंड की कैपेसिटी कितनी हो जाती है, उसका भी एक फॉर्मूला आगे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कंडक्टर को रखें, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनसाइड फील्ड जीरो होता है, आप सबको पता है, बिल्कुल पता है, अगर अंदर फील्ड ही नहीं है तो अंदर चार्ज भी नहीं होगा, इनसाइड चार्ज जीरो, तो चार्ज गया सारा कहाँ, उस सरफेस पे चला जाता है, चार्ज सारा सरफेस पे चला जाता है, कंडक्टर को चार्ज दोगे सारा सरफेस पे चला जाता है, बस 5-1 मिनट और चलेगी,
एक मिनट और चलेगी, ठीक है। हमेशा फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, 90 डिग्री होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, गलत होगा अगर टेढ़ा मेढ़ा तो है, ठीक है। अच्छा अगला हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। कोई भी बॉडी चार्ज को स्टोर कर सकती है, इस एबिलिटी को, चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी को कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। और देखा गया कोई भी चार्ज जो स्टोर करेगा वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, पोटेंशियल कम है तो चार्ज को कम स्टोर करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, जब जब मतलब दुनिया के अंदर जब जब ना जुल्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, उसको मिटाने के लिए भगवान कोई ना कोई रूप लेके आता है, तो वैसे ही जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखता है ना, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आया, उसका नाम रखा गया सी। सी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सी यहाँ एक कांस्टेंट बन के आया, ठीक है, यानी क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, वी कम होगा तो क्यू कम होगा, बट सी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ये मेरी बात को याद रखना सर, यहाँ से फाइल अपलोड कर दीजिएगा ताकि हम प्रिपेयर कर लें। हाँ बिल्कुल, ये वाली अभी जस्ट क्लास की 5-1 मिनट बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटी का फॉर्मूला बन गया क्यू बाई वी, है ना। तो कैपेसिटी का एक फॉर्मूला और बन जाता है रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। अगर अपन क्या करें, किसी बॉडी ने कितना चार्ज स्टोर किया उसका कितना पोटेंशियल है, इस रेशियो को अपन क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी बोल देते हैं। सी डिपेंड नहीं करता क्यू एंड वी पे, बहुत अच्छी बात। इसका ऐसा यूनिट था फेराड, एक फेराडे भी पढ़ा आज की वीडियो में, वो चार्ज का बड़ा यूनिट था फेराडे। ये है फेराड, किसका यूनिट है, कैपेसिटी का यूनिट है फेराड, फेराड, ठीक है। और होता क्या है, 1 फेराड बाई 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट को ही फेराड कहते हैं। बट एक बताऊँ, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं। सर जी योर क्लास आर ऑलवेज ओपी, थैंक यू वेरी मच चंद्रपाल सिंह, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए जी, इतना बड़ा यूनिट कभी पॉसिबल नहीं है फेराड, एक्चुअली प्रैक्टिकली बोले तो बहुत बड़ा यूनिट है। जनरली जो हमारे आसपास कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं उनकी कैपेसिटी या तो माइक्रो फेराड में होती है या पीको फेराड में होती है या नैनो फेराड में होती है, ठीक है। इसलिए जनरली कोई भी न्यूमेरिकल भी दिखेगा तो पीको नैनो इसी के अंदर आपको इनकी वैल्यूज मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच 91 जी, ठीक है, आपको फेराड में नहीं मिलेगा। अगर अगर अर्थ की भी बात करें, बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ की भी कैपेसिटी लगभग 711 माइक्रो फेराड है, आप देखेंगे आगे मिलेगा। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ऐसे पैरेलल प्लेट्स बनाते हैं, तीन तरह का होता है वैसे तो, पैरेलल प्लेट्स भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है। सबसे ज़्यादा अपन पैरेलल यूज़ करते हैं, इसलिए सिंबल पे भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बराबर है। देखिए अगर एक छोटा एक बड़ा होता तो वो सेल हो जाता, सेल हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों बराबर है तो ये कैपेसिटेंस है। अगर कोई भी एरो नहीं लगा तो इसका कैपेसिटेंस फिक्स है, और अगर आपने ऐसे लगा रखा है एरो तो इट मीन इसका कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, दैट इज़ वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई यार, लाइक भी कर दीजिए करा, शेयर भी कर दीजिए करिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्फीयर के शेप का कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4πε r, यानी r पे डिपेंड करती है, जितना रेडियस ज़्यादा होगा यानी साइज बड़ा होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब इस हिसाब से देखें तो अर्थ भी तो हमारी एक कैपेसिटर हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है। श्री तिवारी जी, आप आई थिंक सो ल्यूशेंट की जनरल साइंस वाली बुक आती है उसमें से केमिस्ट्री कर लीजिए या 10वीं तक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अर्थ की कैपेसिटी, अर्थ भी एक बहुत बड़ा स्फीयर ही तो है, उसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैलकुलेट करने पर आती है हमारे पास 711 माइक्रोफेराड। अर्थ इतना बड़ा होने के बावजूद भी कैपेसिटी देखो यार माइक्रोफेराड में, तो फेराड में तो किसी की होगी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जतिन जी, ठीक है जी, आज की क्लास को करें यहीं ख़त्म। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, कल इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटिज्म का कंबाइंड होगा। टेलीग्राम चैनल आपको लर्न विद सुमित नाम से मिलेगा, आशीष राज, लर्न विद सुमित, उससे सर्च कर सकते हो। इवन तुम आईपी फिजिक्स बाय आईपी सर, फिजिक्स बाय आईपी सर्च पे भी चेक कर सकते हो। बस आज की क्लास यहीं तक है, कल करेंगे, है ना, आज की क्लास यहीं तक है। और जो बच्चा इसको अगर ऑफलाइन देखता है या ऑफलाइन सॉरी बाद में देखता है, लाइव नहीं देखता, तो यार लाइक करना मत भूलो, कमेंट भी करना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जो अभी नया आया चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि बेल वाले को दबाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है जी। कल करेंगे इसके बचे हुए कंसेप्ट, साथ में करेंगे मैग्नेटिज्म की जो दो तीन चीज़ें रह गई थी, और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद प्लस वन की कंसेप्ट की धुआंधार बारिश होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।